बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ट्विस्टेड पिज़्ज़ा। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा डो। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चिकन की टॉपिंग के लिए हमें चाहिए बारीक स्लाइस की हुई चिकन, लहसुन अदरक का पाउडर, नमक, लेमन जूस, टिक्का मसाला, लाल मिर्च का पाउडर। अब एक प्याली में हम चिकन ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, नमक हसबे जायका, आधी चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच टिक्का मसाला, 1 टीस्पून लेमन जूस, और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल शामिल करके मैरिनेट की हुई चिकन को पका लेंगे। चिकन अब तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए हमें चाहिए टमाटो पेस्ट, केचप, चिली सॉस, ओरिगैनो और नमक। 1 टेबलस्पून इसमें टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून केचप शामिल करेंगे और नमक हसबे जायका, ओरिगैनो हसबे जायका। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और जैतून और मोज़रेला चीज़। अब हम पिज़्ज़ा की पतली सी रोटी बना लेंगे मीडियम साइज़ की, और इसको साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। रोटी को हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से रोटी पे फैला लेंगे और इसकी जो साइड्स हमने कट की थी उनको हम ट्विस्ट कर लेंगे। और अब इसको हम बेकिंग ट्रे पर ट्रांसफ़र कर देंगे। बेकिंग ट्रे पर रखने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और अब हम इस पर चिकन की टॉपिंग करेंगे। स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च की टॉपिंग करेंगे, टमाटर रखेंगे, प्याज रखेंगे और इस पर जैतून डालेंगे। और जो मोज़रेला चीज़ है उसको हम ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। ओवन को हमने 150 डिग्री पर 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब हम इसमें पिज़्ज़ा को 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे 150 डिग्री पे। पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको सर्व करेंगे।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।